क्वेश्चन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 H2 NaOH NaCl Na2CO3। और इसमें NH3 का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने भी इसमें एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे उसके एटॉमिक मास को कंबाइन करेंगे। तो ये नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, प्लस ये सेकंड क्या है इसमें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, और कितना हाइड्रोजन है इसमें 3 है प्रेजेंट, तो 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया ये 14 प्लस 3 1 3, अब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17, और यू लिख देते हैं मॉलिक्यूलर मास में यू करते हैं। सेकंड होगा इसमें H2, तो हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, इसमें मल्टीप्लाई कितना से कर देंगे 2 से, क्योंकि 2 यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का 2 एटम प्रेजेंट है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस सेकंड गैस में ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, फिर इसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 वन जाए 2 प्लस 16, ये कितना हो गया ऐड करने पर हो जाएगा 18 यू। थर्ड इसमें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, सोडियम कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन कितना होगा 16 प्लस हाइड्रोजन कितना होगा 1, इनको ऐड करने से कितना होगा 3 6 9 1 10, तो 0 कैरी 1 और 2 1 3 और 1 कैरी 4, तो कितना हो जाएगा 40 यू। फिर 4 इसमें क्या है, 4 नंबर है सोडियम क्लोराइड, सोडियम कितना होता है एटॉमिक मास 23 प्लस क्लोरीन कितना होता है 35.5, अब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा ये 538 और 325.5, ये 58.5 हो जाएगा। फिर इसमें फिफ्थ नंबर है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23 मल्टीप्लाई 2 एटम पर जनरेट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 एटम प्रेजेंट है इसमें, अब कितना हो गया मल्टीप्लाई करने पे, इसको मल्टीप्लाई करने कितना हो जाएगी 46 प्लस 12 प्लस इसको मल्टीप्लाई करने कितना हो जाएगी 48, फिर ऐड करने कितना होगा 6 2 8 8 16 का कैरी 1 4 1 5 5 4 9 9 1 कैरी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो कितना होगा 106 यू।